राजकुमारी जी को कुछ पूछना है। राजकुमारी जी एक सेकंड ना, मैं आपके साउंड जो है वो अनम्यूट करता हूँ। हाँ आ रही है, बोलिए। सर मुझे ये पूछना है, एक पार्टी है मेरी बेंगलोर से बिलोंग करती है, उसको 10 लाख का सर सम एश्योर चाहिए, लेडीज है, तो सर वो बोल रही है मैं मेडिकल नहीं करवाऊंगी। एक्चुअली उसका है ना 2 साल पहले उसको स्टोन हुई थी किडनी में, तो और एक सर उसको चाइल्ड है वो भी ऑपरेशन से हुआ है, तो सर उसको बोल रही है मैं मेडिकल नहीं करवाऊंगी। LIC से कोई डिमांड आया क्या मेडिकल करवाने का? सर मैंने अभी पॉलिसी रखी नहीं है। उनकी उम्र क्या है? सर 34 सॉरी 34। रखिए ना, जी सर। और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना? सर ये 2 प्रॉब्लम है, 3 साल का चाइल्ड है, उसको ऑपरेशन से हुआ था सीजरियन से, और उसने ना ये कोई 2018 कॉम्प्लिकेशन में नहीं, आजकल तो ये नॉर्मल है। सर 2018 में सर उसको है ना स्टोन हुई थी किडनी में, उसका ऑपरेशन हुआ है। मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारे लोगों से भी बात कर रहा हूँ। आपके आपने ये सवाल किया ना, इस जी सर प्रोडक्ट को अब बड़े सिंपल तरीके से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बेसिकली ये प्रोडक्ट क्या है और किसी को इंश्योरेंस देना है कि नहीं देना है, ये सोचने वाले लोग जो होते हैं वो कैसे सोचते हैं। इंश्योरेंस बिजनेस कैसा है मालूम है कि हम चुटकी भर लेकर के, चुटकी समझते हैं ना, चुटकी है ना, वो डायलॉग था ना, एक चुटकी सिंदूर की तुम कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाँ बस वो जो चुटकी रहता है ना, कि हम लोग चुटकी भर पैसा लेकर के मुट्ठी भर के पैसा देने का वादा करने वाले लोग हैं। समझना आप इस चीज को। अब एक चीज समझ करके देखिए कि अगर एक आदमी को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस अपन दे रहे हैं, अब 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस में उसने 20 साल की टर्म ले ली, 20 साल की टर्म में उसका प्रीमियम आएगा अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपए की। अब वो व्यक्ति मान लो कि बोलता है कि भैया मैं भरूंगा इसको मंथली बेसिस पर, ठीक है, हमने लिया कितना, 2 महीने की प्रीमियम आप काउंट करो तो 8,000 रुपए की प्रीमियम हो गई। अब 8,000 रुपए में ऊपर से आपने उसमें टर्म राइडर डाल दिया, टर्म राइडर डाल दो तो 10 लाख रुपए और हो गए। अब 8,000 रुपए किसी से लिए है और खुदा ना खास्ता उस इंसान को कुछ हुआ, अगर वो एक्सीडेंट से डेथ होती है उसकी, तो देना कितना है, 20 लाख रुपए। 8,000 लेकर के 20 लाख देना है, इसको बोलते हैं चुटकी भर के लेना और मुट्ठी भर के देना। तो इस बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है और इसको कम करने के लिए है ना इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि भैया अगर मैं इतना बड़ा प्रॉमिस किसी को देखे बगैर, सारे कस्टमर को तो LIC बुला नहीं रही अपने ऑफिस में कि भैया आओ तुम्हारी शक्ल दिखाओ ये करो, है ना, एक एडवाइजर जो कागज में लिख करके आता है कि इसकी हाइट इतनी है, इसकी उम्र इतनी है, इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको कुछ भी खाने पीने की गलत आदत नहीं है, आप जो लिख करके देते हैं ना उन लिखी हुई बातों के ऊपर भरोसा करके LIC उस आदमी को इंश्योरेंस देती है। इसमें रिस्क कितना बड़ा है कि एक कंपनी किसी व्यक्ति को फिजिकली देखे बगैर उससे एक छोटा सा पैसा लेकर के बड़ा पैसा देने का प्रॉमिस कर रही है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने कस्टमर को बता पाओ, उनको एक चीज बोलना जो आपकी मतलब प्रोस्पेक्ट है बैंगलोर वाली मैडम जो है उनको एक चीज बोलना, बोले आपके पास में कार है, तो बोलेगी हाँ है, ठीक है, तो बोले एक बार मेरे को ऐसा करके दिखा देना कि तुम्हारी कार का इंश्योरेंस व्हीकल इंश्योरेंस वाला गाड़ी को देखे बगैर करके बता दे। बोले कोई भी व्हीकल इंश्योरेंस वाला आदमी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बिना मिले कर देगा, वो ऑनलाइन करके दे देगा, लेकिन अगर गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है तो आकर के गाड़ी को विजिट करता है, वो देखता है कि गाड़ी को कहीं ठोका वोका तो नहीं है, लाइट कौन सी टूटी हुई है, कौन सा पार्ट खराब है, कहीं पर हर चीज चेक करता है। अगर 4-5 लाख रुपए की गाड़ी को भी बिना देखे इंश्योरेंस नहीं दिया जाता तो तुम्हें एटलीस्ट, अगर तुम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस चाहती हो तो हो सकता है कि ऐसी क्वेरी आएगी। मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हारा मेडिकल के बगैर निकल जाए, लेकिन ये जिद पकड़ के मत बैठना कि मैं मेडिकल नहीं करवाऊंगी, क्योंकि बोले गाड़ी का इंश्योरेंस भी 3 लाख रुपए की गाड़ी का इंश्योरेंस भी बिना देखे नहीं होता। तो बोले लाखों और करोड़ों का इंश्योरेंस देने से पहले एक इंश्योरेंस कंपनी अगर डिमांड करती है अपने को मेडिकल की तो बोले करा लेनी चाहिए, ऐसी जिद करने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा प्यार से समझाओ। आपको भी ये समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हर बार अपन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, कभी कम आप अपने बिजनेस को तो समझो कि अगर आप LIC की जगह पर होते, कोई एजेंट आकर के बोलता कि सर ये लो 10,000 रुपए या ये लो 20,000 रुपए और इसका 10 लाख रुपए का बीमा करवाना है, तो आप थोड़ी पैसे लेकर के मतलब पागल हो जाते कि अच्छा चलो 20,000 रुपए आ गए दे दो 10 लाख रुपए, कोई भी नहीं करेगा। सामने वाले को एहसास तो रहेगा ना कि 20,000 लेके भैया 10 लाख रुपया देना भी तो है, तो किसको देना है, वो देने के लायक है कि नहीं है, आदमी जिंदा है कि नहीं है, आदमी स्वस्थ है कि नहीं है, हर चीज देखनी पड़ेगी। इस प्रोडक्ट को आपको बड़ा ध्यान से समझना है कि इंश्योरेंस बेसिकली है क्या, है ना, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अगर आप जब इसको क्या बोलते हैं ना लाइफ कवर के तौर पर अगर देखेंगे तो इट इज वेरी रिस्की प्रोडक्ट। और इवन एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर हमें भी किसी ऐसे इंसान को प्रपोज नहीं करना चाहिए। उसको एक पॉलिसी लेनी है, अपने को जिंदगी भर धंधा करना है, हमें जिंदगी भर पॉलिसी बेचनी है, तो कभी भी जल्दबाजी में कोई चीज करनी नहीं है। और अगर कोई कस्टमर बोलता है तो अपना पूरा आत्मसम्मान के साथ उनको बोलना है, तो बोले मैडम आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप देंगे कितना 10 लाख रुपए के सामने? 8-10 हजार रुपया देंगे। अगर आपसे 8-10 हजार रुपया लेकर के मेरी कंपनी आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस देने का वादा करती है, तो बोले उसका इतना अधिकार है कि अगर जरूरत लगे तो आपका मेडिकल करवाए, है ना। नहीं करवाएंगे या करवाएंगे ही, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप जो जिद पकड़ के बैठी है कि मैं मेडिकल नहीं ही करवाऊंगी, तो बोले ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। कई बार कस्टमर आपको ऐसा बोलते हैं कि यार प्राइवेट वालों का इतना नौटंकी नहीं रहता, तुम लोगों का बहुत नौटंकी रहता है। और मैंने देखा है कि LIC एजेंट को भी कभी कभी ऐसा लगता है यार हमारी कंपनी बहुत परेशान करती है ना, 20 लाख रुपए का प्राइवेट वाले 1-1 करोड़ का टर्म प्लान दे देते हैं, और हमारे यहाँ पर 20-25 लाख रुपए का इंश्योरेंस देना हो तो भी कस्टमर को बुलाते हैं ना, ये लेकर के आओ ना, वो लेकर के आओ ना, फलानी रिपोर्ट निकालो ना, है ना। बोले बहुत ड्रामा चलता है। मतलब मैंने बहुत सारे एजेंट ऐसे बोलते हुए सुने हैं कि जिनको लगता है कि LIC में सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात समझना, आज इस बात को ध्यान से सुन लेना कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, मैं बहुत संभाल के बोल रहा हूं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर को एक बार तो परेशान करेगी ही करेगी। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर को एक बार तो परेशान करेगी ही करेगी, और हर इंश्योरेंस कंपनी के पास में अपने कस्टमर को परेशान करने के 2 मौके होते हैं। उन 2 मौकों में से वो एक मौका तो उठाएगी ही उठाएगी अपने कस्टमर को परेशान करने के लिए। अब वो 2 मौके कौन से होते हैं? एक मौका होता है पॉलिसी देने के टाइम पे, और दूसरा मौका होता है क्लेम देने के टाइम पे। एक मौका होता है पॉलिसी देने के टाइम पे और दूसरा मौका होता है क्लेम देने के टाइम पे। इन दोनों में से किसी एक मौके पर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी परेशान करेगी, चाहे वो LIC हो या प्राइवेट हो। लेकिन लेकिन जिस कंपनी ने पॉलिसी देने के टाइम पे कस्टमर को थोड़ा परेशान किया, याद रखिएगा वो कंपनी क्लेम देने के टाइम पे कस्टमर को कभी परेशान नहीं करेगी। लेकिन जिस कंपनी ने पॉलिसी देने के टाइम पे कस्टमर को परेशान नहीं किया, वो कंपनी क्लेम देने के टाइम पे 110% परेशान करेगी करेगी और करेगी। ये आपको मालूम होना चाहिए।